तो गाइस अगर आप सभी को थ्रोन ऑफ सील पसंद है तो ये एनिमे आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी डीमन और डीमन हंटर के ऊपर बात किया गया है और इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा मस्त है। ये हाल ही में रिलीज हुआ है जिसकी वजह से मैं आप सभी के लिए इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप सभी का पॉजिटिव कमेंट रहता है तो मैं आप सभी के लिए इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए फिलहाल हम एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक कैरेज के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं और वो एक वैली को क्रॉस कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरे सहमे होते हैं और वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनको सामने अपने एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो देखकर वो सभी काफी परेशान हो चुके थे। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने कैरेज से निकलकर बाहर आता है और इसके बाद वो उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मास्टर माँ होता है, जो कि उस बंदे को बताता है कि इस वैली का नाम जीक्यू वैली है, जहाँ पर डीमंस का राज चलता है। अगर यहाँ से कोई भी बंदा गुजरता है तो उस पर डीमंस अटैक कर देते हैं और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा डरे होते हैं। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो घोड़े को मंगवाता है और खुद ही टीम को लीड करना स्टार्ट कर देता है, ताकि अगर डीमंस उन पर अटैक करते हैं तो वो उन सभी को डीमंस से बचा पाए। और इसके बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके दौरान उनको रास्ते में काफी सारे डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। पर वो अपने कैप्टन पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे होते हैं और फाइनली वो सभी काफी अच्छी तरीके से इस कैनियन को पार करने वाले होते हैं, जहाँ पर हमें मास्टर माँ को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों को रेडियो जाने को बोलते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हम इस कैनियन को पार करने वाले हैं तो तुम सभी को रेडियो जाना चाहिए। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि मास्टर माँ से कहता है कि मास्टर माँ, जो सुनकर वो कहता है कि हाँ मास्टर, आपका क्या आदेश है, क्या आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो। तभी अचानक से एक डीमन उस पर अटैक कर देता है जो देखकर वो काफी ज्यादा डर चुका था। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर का यूज करके उस डीमन पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। अब इसकी वजह से मास्टर माँ काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी वो अपने सामने देखता है, जहाँ पर हमें काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि उन पर अटैक करने के लिए आ चुके थे और हमें उन्हीं डीमंस के बीच में एक बच्चे को भी दिखाया जाता है जो कि उनके बीच में शामिल होता है। वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। वो सारे घोस्ट भी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने कैरियर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज करके उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बेसिकली इंक का यूज करके उन सभी पर अटैक कर रहा था। और वहाँ पर जो भी माउंटेन घोस्ट होते हैं वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके दौरान हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। पर तभी हमें उन सारे माउंटेन घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज करके कैरियर पर अटैक कर देते हैं, पर तभी वो बंदा अपने पावर का यूज करके उनके सारे अटैक को रोक चुका था और आगे बढ़ता है और उन सभी की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। उसकी पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से कोई भी बंदा उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। साथ ही हमें पता चलता है कि उसका जो वेपन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से उसके अटैक में काफी पावर होती है। तभी हमें काफी सारे घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि कैरियर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर दोबारा से वो बंदा उन सभी को मारकर पीछे कर देता है। अब इसकी वजह से सारे घोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो सभी एक साथ में अपने वेपन का यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने इंक का यूज करके उनके जो भी वेपन होते हैं उन सभी को एक ही जगह पर घुमाना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वो सारे घोस्ट आगे बढ़ते हैं और एक ही साथ में उस पर अटैक कर देते हैं। पर तभी वो बंदा वहाँ से बाहर आ चुका था और इसका फायदा उठाकर उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी का कीमा बन चुका था और उसने इसी के साथ में वहाँ पर जो भी माउंटेन घोस्ट होते हैं उन सभी को ढेर कर दिया था, जिसके बाद दोबारा से कैनियन के अंदर रोशनी हो जाती है। तभी हमें उसके जादुई छड़ी को दिखाया जाता है जो कि बोलना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उस बंदे पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने ज्यादा कमजोर वॉरियर के ऊपर मेरे इंक का यूज करने की, क्या तुम्हें पता है तुमने यहाँ पर मेरे पूरे 3 दिन के इंक का यूज कर लिया है, मुझे इतने सारे इंक को बनाने में पूरे 3 दिन लगेंगे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उससे माफी मांगता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर मुझे रिस्पेक्ट कौन देगा,
वो उसको ग्रैंडफादर कहता है और हमें पता चलता है कि जेनरेशन टू जेनरेशन ये जो वेपन है वो उसके फैमिली के अंदर पास होती आ रही है, जिसकी वजह से ये वेपन उसका ग्रैंडफादर लगेगा। जहां पर हमें उस वेपन को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे की तारीफ करता है और कहता है कि सच में यहाँ पर जो भी माउंटेन घोस्ट थे तुमने उन सभी को काफी आसानी के साथ में मार दिया है। वो बंदा उसको थैंक्स बोलता है। वो कहता है कि तुम्हें खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर एक और घोस्ट बचा हुआ है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा वाला घोस्ट कैरियर के नीचे छुपा हुआ था, पर उसके पावर की वजह से वो बाहर आ चुका था, जो देखकर वो सारे बंदे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर वो बच्चा कहता है कि मुझे मत मारो, मैं इंसान हूँ। अब इसकी वजह से मास्टर माँ काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और आगे बढ़ता है और उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। वो जो बंदा था वो उससे कहता है कि एक बच्चा है तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। पर हमें मास्टर माँ को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है मुझे इसके बारे में पता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने नाम के बारे में बताता है, जिसका नाम हुजी होता है। और इसके बाद वो बताता है कि मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, जिसकी वजह से मैं माउंटेन घोस्ट के साथ में मिलकर यहाँ पर कुछ खाने के लिए आ चुका था। अब इसकी वजह से मास्टर माँ काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि अगर तुम माउंटेन घोस्ट के साथ में नहीं मिले रहते तो वो कब का तुम्हें खा चुके होते। हुजी कहता है कि मेरे बात का विश्वास करो, मैं सही बोल रहा हूँ। जहाँ पर हमें मास्टर माँ को दिखाया जाता है जिसको उसके बातों पर भरोसा नहीं होता और वो उसको पिटवाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। मास्टर माँ कहता है कि ये जो मास्टर है वो काफी ज्यादा दयालु है, तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए क्योंकि मैं इसके बात को सुनकर तुमको छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद वो सारे बंदे जाकर अपने कैरियर को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रेड पिल यहाँ पर मौजूद है या नहीं। साथ ही हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रेड को निकाल लेता है ताकि उस बच्चे को दे सके, पर तभी वो बच्चा अपने पास से कुछ बम को निकालता है और उसे फोड़ देता है और वहाँ से भाग चुका था। अब इसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये कितना सड़ा हुआ बदबू है। और इसके बाद वो सभी अपने रेड पिल को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका रेड पिल चोरी हो चुका है। साथ ही हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, साथ ही वो रो भी रहा था। अब इसकी वजह से मास्टर माँ काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये जो मास्टर है उनको प्याज से सख्त नफरत है और उस बंदे ने यहाँ पर प्याज वाले बम का यूज किया है, अब उसका तो खैर नहीं है। साथ ही हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि बास्टर्ड कहीं के, अगर अगली बार तुम मुझे मिलते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जल्दी में होती है और वो कहती है कि मुझे जल्दी से बाबाओ सिटी में वापस जाना होगा, क्योंकि अगर मेरे फादर को पता चल गया कि मैं छुप छुप कर मिशन को कंप्लीट कर रही हूँ तो वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। तभी उसको कुछ महसूस होती है जिसकी वजह से वो रुक चुकी थी और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हम हुजी को देखते हैं जो कि रेड पिल को लेकर माउंटेन घोस्ट किंग के पास में आया होता है और इसके बाद वो रेड पिल को उसे दे देता है। जहाँ पर हमें घोस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कि रेड पिल को लेकर काफी खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये जो रेड पिल है वो काफी ज्यादा रेयर है और साथ ही इसकी जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो इसकी वजह से मेरा अगला एवोल्यूशन काफी आसानी से हो जाएगा और वो काफी ज्यादा खुश था। पर तभी हमें हुजी को दिखाया जाता है जो कि उससे अपने मदर के बारे में पूछने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपको रेड पिल ले आकर दे देता हूँ तो आप मुझे मेरे मदर के बारे में बताएंगे। जहाँ पर हमें माउंटेन किंग को दिखाया जाता है जो कि हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि मूर्ख कहीं के, मैंने यहाँ पर तुम्हारा यूज किया है ताकि मैं रेड पिल को पा सकूं, मुझे तुम्हारे मदर के बारे में पता नहीं है। और इसके बाद वो हंसना स्टार्ट कर देता है जिससे हुजी काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। और इसके बाद वो उसके मुंह पर बम फोड़ देता है और इसके बाद वो रेड पिल को लेकर भागना स्टार्ट कर देता है, जिससे माउंटेन किंग काफी गुस्सा हो चुका था और जोरों से रोर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी घोस्ट माउंटेन होते हैं वो सभी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हुजी का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें हुजी को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से बचकर भागना स्टार्ट कर देता है और वो भागते भागते काफी आगे आ चुका था। पर हमें माउंटेन घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हुजी का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और इसके बाद वो अपने फायर का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते
रहते हैं, जहाँ पर हमें उजी को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक से नहीं बच पाता और ये अटैक उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। अब उसके आवाज को वो लड़की भी सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ के लिए निकल जाती है। तभी वो सारे माउंटेन घोस्ट उजी पर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर एक तलिसमैन आती है जो कि घोस्ट माउंटेन के ऊपर लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसके सामने आ चुकी थी और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो माउंटेन घोस्ट को मारना स्टार्ट कर देती है, जिसके दौरान वो अपने तलिसमैन का यूज कर रही थी, जहाँ पर हमें उन सारे माउंटेन घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने नहीं टिक पाते और वो काफी आसानी से उन सभी को मार देती है, जो देखकर हुजी भी काफी हैरान हो चुका था। पर वहाँ पर और भी काफी सारे माउंटेन घोस्ट आ जाते हैं, साथ ही हमें माउंटेन घोस्ट किंग को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जो कि हुजी के ऊपर लैंड करने वाला था, पर वो लड़की उसको साइड में हटा लेती है। साथ ही हमें उस मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था और वो अपने इंक का यूज करके माउंटेन घोस्ट किंग को जकड़ लेता है, जहाँ पर हमें माउंटेन घोस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो बंदा काफी पावरफुल था। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसके बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो बंदा हुजी से कहता है कि ब्रेट आखिरकार तू मुझे मिली गए, जिससे हुजी काफी डर चुका था। और इसके बाद वो उस लड़की के पीछे छिप जाता है और इसके बाद वो कहता है कि फेरी सिस्टर प्लीज तुम मुझे बचा लो, जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के पास में एक टोकन देखती है। और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बंदा तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्योंकि ये जो बंदा है वो नेशनल डीमन हंटर मास्टर है। और इसके बाद वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देती है, जिसे हुजी काफी परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि सच में क्या तुम नेशनल डीमन हंटर मास्टर हो? और इसके बाद वो कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, और वो बहाना बनाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अभी मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और भागना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कहता है कि रेड पिल कहाँ है, जिससे हुजी काफी डर चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, और भागने लगता है। पर वो अपने इंक का यूज करके उसे पकड़ लेता है और उसकी चेकिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुदगुदी हो रही होती है। वो कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं खुद ही निकाल कर उसे तुम्हें दे रहा हूँ। पर तभी हुजी की नजर जाती है कि जो माउंटेन घोस्ट किंग था वो दोबारा से जिंदा हो चुका है और वो आगे बढ़ता है। तभी वो जो बंदा था उसने पिल को बाहर निकाल लिया था और जो माउंटेन घोस्ट किंग होता है वो उस पिल को खाने वाला था, पर तभी हुजी आगे बढ़ता है और उस पिल को खुद ही खा जाता है। और साथ ही हमें माउंटेन घोस्ट किंग के सर को दिखाया जाता है जो कि ब्लास्ट हो चुका था। अब इस पिल के खाने की वजह से हुजी के अंदर साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा फूल जाती है, और उसकी बॉडी और भी काफी ज्यादा फूले जा रही होती है, जहाँ पर हमें नेशनल डीमन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। जहाँ पर हमें उसके छड़ी को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इस लड़के को अपने कंट्रोल में करना होगा, नहीं तो ये यहाँ पर मारा जाएगा। नेशनल मास्टर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा नोटी है। वो छड़ी कहती है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें इसके लाइफ को बचाना ही होगा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान चुका था। और इसी के साथ में फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आप सभी कमेंट करके बताओ आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप सभी अच्छा कमेंट करते हो और इस पर व्यू भी अच्छा आता है तो मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट रखूंगा। तो चलिए आप सभी अच्छा अच्छा कमेंट करो और वीडियो को अच्छे से वॉच करो। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ में।